और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोबेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामशाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पा लेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रामशाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन का पालन करना बेहद जरूरी, उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। कलेक्टर श्री यशवंत कुमार व पुलिस अधीक्षक निकले लॉकडाउन में शहर का जायजा लेने। देखिए यह रिपोर्ट। रायगढ़ जिले में लॉकडाउन के दौरान ढील का समय इसलिए बढ़ाया गया है ताकि दुकानों में एक साथ भीड़ न हो। लोगों की सुविधा के लिए कुछ और जरूरी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, किंतु ढील का समय बढ़ने के बाद यह देखा जा रहा है कि लोग बिना वाजिब कारणों के बाहर घूम रहे हैं। कोरोना संक्रमण का संकट अभी भी बना हुआ है, जिसके रोकथाम के लिए लॉकडाउन का पालन करना बेहद जरूरी है। उक्त बातें कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने बिना कारण बाहर घूम रहे लोगों को समझाते हुए कही। कलेक्टर यशवंत कुमार आज पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के साथ शहर में लॉकडाउन में ढील का समय बढ़ाने के बाद हालत का जायजा लेने निकले थे। वे सबसे पहले सत्तीगुड़ी चौक पहुंचे। यहां से दुपहिया व चार पहिया वाहन से गुजर रहे लोगों से उनके बाहर निकलने का कारण पूछा, जिनमें कई लोगों ने चेकअप के लिए अस्पताल जाना, मेडिकल स्टोर, बैंक व बिजली तथा अन्य जरूरी सामान लेने या आवश्यक सेवा से जुड़े कार्य पर जाना बताया, जिन्हें उचित प्रमाण दिए जाने पर जाने दिया गया। वहीं कुछ लोग लापरवाही पूर्वक बाहर घूमते मिले, जिनमें एक गाड़ी पर युवक बाहर घूमता मिला। गाड़ी पर प्रतिबंधित काली फिल्म लगी हुई थी। पूछताछ करने पर युवक बाहर निकलने का संतुष्टिजनक कारण नहीं बता सका, जिस पर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने तत्काल मौके पर गाड़ी की काली फिल्म उतरवाई और गाड़ी को जब्त कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दिए। इस प्रकार दो युवकों द्वारा आवश्यक कार्य से बैंक जाना बताया गया, किंतु इस संबंध में वे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। उनके विरुद्ध भी गाड़ी जब्ती के साथ प्रतिबंधात्मक धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की गई। इसके साथ ही लोगों को समझाइश भी दिया गया कि लॉकडाउन का पालन किया जाना लोक स्वास्थ्य हित के लिए कितना महत्वपूर्ण और आवश्यक है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने इस मौके पर कहा कि सभी लोग लॉकडाउन को अभी भी पूरी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, बेवजह बाहर घूमे ना। आने वाले दिनों में ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार की जाती रहेगी। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा, सीएसपी अविनाश ठाकुर, एसडीएम रायगढ़ आशीष देवांगन व पुलिस का अमला मौजूद रहा। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रामशाजर।